जिला कांगड़ा में इंदौरा के तहत पड़ते ढाकू लाड़ा में दो सगे भाइयों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये दोनों भाई मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और यहाँ पर मजदूरी का काम करते थे। किसी ने बुधवार रात इनकी तेज धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह हत्या का पता चला। ये लोग यहाँ किराए के कमरे में रह रहे थे। इनके साथ एक और व्यक्ति भी रह रहा था जो कि मजदूरी का ही काम करता है। इस व्यक्ति को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के ढाकू लाड़ा की प्रधान के बेटे निर्मल प्रसाद ने थाना इंदौरा में सूचना दी कि उनके पड़ोस में रहने वाले दो प्रवासियों की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। इसके साथ ही फोरेंसिक जांच टीम डॉक्टर विजय की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतकों की पहचान अनिल कुमार और विनोद कुमार पुत्र धनीराम निवासी गांव संघरा जिला पन्ना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने उनके साथी घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया है। घनश्याम उनके साथ कमरे में ही रहता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।